कोरोना काल से जुड़ी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए कैसे दुकानदारी बढ़ाई जाए और बिजनेस बढ़ाया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग जबकि सबके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, छोटे व्यवसायों के लिए बुरा है। कोरोना वायरस के बाद से बाजार खाली है, लोग घरों में रहते हैं। कई व्यवसाय के मालिक इस बात से चिंतित हैं कि कोविड-19 का उम्मीद से गहरा और लंबे समय तक चलने वाला असर होगा, जिसके कारण हर बिजनेस में व्यापारी कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान अपने ग्राहकों को बनाए रखने के तरीके खोज रहे हैं। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिससे आप कोरोना की सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अपने ग्राहकों के साथ सक्रिय रूप से संवाद करें। स्थिति तेजी से विकसित हो रही है और कोई भी नहीं कह सकता कि हर दिन क्या समाचार लाएगा। संकट का सामना कर रहे व्यापारियों के साथ ग्राहक तब तक सहानुभूति रख सकते हैं जब तक आप उनके साथ ठीक से बात करते हैं। अपने ग्राहकों को बताएं कि कब आपका स्टोर खुला है और आप बंद कब कर रहे हैं, अपना टाइम बदल रहे हैं और कर्मचारियों और काम के माहौल को सुरक्षित और स्वच्छ रखने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं। यदि आपका स्टोर बंद हो रहा है तो अपने ग्राहकों को अपने सोशल मीडिया चैनल्स के द्वारा, ईमेल के माध्यम से और अपनी वेबसाइट से सूचित करें। यदि आपका स्टोर खुला रहता है तो जोखिम को कम करने के लिए आप जो कदम उठा रहे हैं उसके बारे में बताइए। घर पर अधिक समय बिताने वाले ग्राहकों को अभी भी चीजों की खरीदारी करने की आवश्यकता होगी। उपभोक्ताओं को सीधे अपने ई कॉमर्स स्टोर पर ले जाएं, सोशल मीडिया पर ऑर्डर लें। गिफ्ट कार्ड आपको उस समय नकद राशि देते हैं और गारंटी देते हैं कि ग्राहक भविष्य में आपके व्यवसाय में वापस आएगा। रेस्टोरेंट में जहां मार्जिन पहले से ही बहुत कम है, गिफ्ट कार्ड आपको संकट में गुजरने तक बचाए रखने में मदद कर सकते हैं। लोगों के संपर्क में आने के जोखिम को कम करने के लिए ई गिफ्ट कार्ड कार्यक्रम की पेशकश करें या अपने स्थान पर उनके गिफ्ट कार्ड स्वीकार करने के लिए उबर ईट्स जैसे तीसरे पक्ष के डिलीवरी पार्टनर के साथ काम करें। अपनी सर्विसेज को स्ट्रीम या वीडियो चैट करें, अपनी सर्विसेज के साथ डिजिटल हो जाएं और अपने ग्राहकों तक उन्हें पहुंचाएं। ट्यूटर, पर्सनल ट्रेनर और यहां तक कि थेरेपिस्ट भी वर्चुअली खुद को उपलब्ध करा रहे हैं। अपनी सर्विसेज को दूर से ऑफर करने के लिए गूगल हैंगआउट, स्काइप या जूम जैसे निःशुल्क टूल का उपयोग करें। ऑनलाइन इवेंट आयोजित करें, पहचाने कि ज्यादातर उपभोक्ता होम क्वारंटाइन रहते हुए मनोरंजन के लिए तरस रहे हैं। यहीं पर फेसबुक लाइव या इंस्टाग्राम लाइव काम आ सकता है। यदि आपके पास स्टोर खोलने, उत्पाद लॉन्च करने या वर्षगांठ समारोह की योजना थी तो इसे लाइव स्ट्रीमिंग सोशल मीडिया चैनल्स में से एक पर ले जाएं। ये आपके ग्राहकों को जोड़े रखने के साथ साथ अपने उत्पादों को बेचने का एक शानदार तरीका है। आपके लाइव इवेंट को स्ट्रीम करने वाले पहले 100 लोगों को एक विशेष डिस्काउंट कोड दें। इस बारे में सोचें कि आप ग्राहकों को अभी भी अपने ब्रांड में कैसे सेफ महसूस करा सकते हैं और दूर से ही अपनी सामग्री जोड़े रखें। आप लाभ के लिए छूट उपयोग करें। ये समय छूट के साथ लॉन्ग टर्म शॉपिंग को लुभाने का है। ग्राहकों को एक साल की सदस्यता को सस्ती दर पर लॉक करने के लिए प्रोत्साहित करें। वायरस के बीच जाने के बाद शुरू होने वाली सदस्यता के लिए छूट की पेशकश कर सकते हैं। यदि आपके पास एक खुदरा स्टोर है तो ऑनलाइन ऑर्डर के लिए निःशुल्क या रियायती शिपिंग का ऑफर देने पर विचार करें। यदि कोई ग्राहक किसी अन्य छोटे व्यापारी किसे हाल ही में रसीद लाता है तो 10% छूट देकर अपने एरिया के दूसरे छोटे व्यवसायों की सहायता करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने बिजनेस आइडियाज के लिए कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।